हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। तो गाइस, आज हमारा पार्ट थ्री है। हमने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम कवर अप कर रहे हैं और आज हमारा भाग थ्री है। दो पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस सेक्शन का, आज हम पार्ट थ्री करेंगे और आज का जो सेशन है वो आपका बेसिकली प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। आज हम करेंगे एमसीक्यूज और PYQs, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो भी आपके बेसिक MCQs यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से MCQs बन सकते हैं उनको अभी हम कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा और इसमें आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो लगभग 30 के लगभग क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। इसमें कुछ टफ क्वेश्चन हैं, कुछ आपके इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो मिक्सचर ऑफ टफ एंड इजी क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है जो अभी हम करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको हम कवर अप करेंगे। चलो जी, तो शुरू करते हैं सेशन को। एंड सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये टॉपिक है, ये पिछले 2-3 दिन से हम कर रहे हैं, यानी पार्ट थ्री है। तो जो भी स्टूडेंट पिछले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं वो जरूर देखेगा, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइस ये प्रोफाइल है मेरा अनअकैडमी का। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए, उसके बाद जो भी आपके नोटिफिकेशंस होंगे उनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके सामने प्लान है आइकॉनिक एंड प्लस दोनों के। ये आपके आइकॉनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है। 24 मंथ एंड 12 मंथ सबसे बेस्ट प्लान है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इससे कंप्लीट पेपर आपका है वो कवर होगा। पेपर वन एंड पेपर टू दोनों इसमें आपके कवर होंगे। रेफरल कोड है मेरा Shiv10, कैपिटल में Shiv10, और जैसे ही आप रेफरल कोड लगाएंगे कैपिटल में Shiv10, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है वो यहां से मिल जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकोनिक में आपको मिलते हैं। ज़्यादा फायदा आइकोनिक में है क्योंकि यहां से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन, SOPs एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल, ये सब आपको मिलता है। तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये शेड्यूल रहेगा अब आपका। मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास हो सकती है 7:30, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड आज शाम को हमारी 9 बजे स्पेशल क्लास होने वाली है, तो सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज प्लस की क्लास की जगह हम स्पेशल क्लास करेंगे, फ्री स्पेशल क्लास होगी। तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन क्लासेस को ज्वाइन करें, अनलॉक कोड Shiv10 लगा के आप अपनी जो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं और जिससे आपको PDF भी मिलेगा, तो ये भी ज्वाइन कीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा गाइज आप लक्ष्य बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पेपर वन के भी बहुत सारे बैच हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जैसे लक्ष्य बैच है, टारगेट JRF बैच है ना, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो एक बार आप सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। चलो जी, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट, लाला लाजपत राय डेथ, एडमिशन ऑफ स्वराज दल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल या रोलैंड एक्ट। गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, लाला लाजपत राय की मृत्यु, विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश, रोलैंड एक्ट। आपको इनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, बताए 15 सेकंड आपके पास में है और 15 सेकंड में आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास में 4 स्टेटमेंट है, गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, लाला लाजपत राय की मृत्यु, विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश या रोलैंड एक्ट। ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर बताइए। तो काफी लोग इसका आंसर सी कर रहे हैं, लेट्स सी, करेक्ट
करेक्ट आंसर क्या होता है इसका एवरीवन? तो बताओ इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं कि जो रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट कब आता है गाइस? हमें सबको पता है कि रोलेट एक्ट जो आता है वो 1919 में आता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है? 1919 स्वराज दल की जो एंट्री हुई थी वो बेसिकली 1923 में होती है। लाला लाजपत राय की जो डेथ होती है गाइस वो आप सबको पता है, वो बेसिकली 1928 में होती है ड्यूरिंग द साइमन कमीशन रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद में जो गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट आया था वो 1925 में आया था। ये कब आया था? गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट 1925। तो 1925, 1928, 1923 और 1919। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर है गाइस डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है सबको एवरीवन? किसी को भी कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर एवरीवन। इसके नोट्स भी हैं आपके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और स्पेशल क्लासेस में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस हैं उनको भी आप अटेंड कीजिए, जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आज की हमारी जो क्लास है वो 9 बजे है, 9 PM पे है आज टुडे, यानी इस क्लास के बाद हमारी स्पेशल क्लास होगी हिस्ट्री की, तो उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ पे स्थित है? एक हम सेशन करेंगे गाइस जिसमें इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशन भी करेंगे, तो वो अलग से हम कर लेंगे इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशंस, उसमें मैं आपको एक साथ सारे के सारे कांग्रेस के सेशन है वो करवाऊंगा। अभी तो हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पे ही फोकस करते हैं। त्रिपुरी कहाँ पे है? गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में? बताएं सही आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो काफी लोग इसका जो आंसर है वो डी कर रहे हैं, लेट्स सी, बट द वेरी करेक्ट आंसर इज एमपी में है गाइस। त्रिपुरी जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो त्रिपुरी सेशन हुआ था उसमें बेसिकली जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था यहाँ से, गांधी जी के और उनका वैचारिक मतभेद होने के कारण, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें अध्यक्ष पद को त्याग दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की जगह किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो बनाया गया, इसको जरूर याद रख लेना है एवरीवन, इंपॉर्टेंट है ये, ओके? मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्थित है त्रिपुरी। अब यहां से एक दो फैक्ट और याद रखने हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने यहां से रिजाइन किया तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, तो ये भी आप लिख लीजिए यहाँ पे कि जब वो 1939 में रिजाइन करते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन भी होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की जाती है, तो इसको भी याद रख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी? बताए, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने वकालत को त्याग दिया? पंद्रह सेकेंड है और 15 सेकेंड में हमें आंसर इसका करना है, तो बताओ ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, मदन मोहन मालवीय है, या वल्लभ भाई पटेल है? ए बी सी या डी? द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू ने अपनी अति समृद्ध वकालत को छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था कि हमें ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है ना, नॉन कोऑपरेट है ना, कि उनका सहयोग नहीं करना है, ना गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे, ना हम ऑफिसेस में जाएंगे, ना उनकी स्कूल्स में जाएंगे, ये सारा का सारा बॉयकॉट मूवमेंट वहां पे चला था। याद एक और चीज रखनी है कि मोतीलाल नेहरू ही अकेले नहीं थे, इनके साथ में और भी थे जिन्होंने वकालत छोड़ी, जैसे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने भी छोड़ दी थी, और पटेल ने भी छोड़ दी थी, सरदार पटेल ने भी, राजेंद्र प्रसाद ने भी छोड़ दी थी, सी राजगोपालाचारी ने भी छोड़ दी थी। तो ये अनेक प्रतिष्ठित वकील थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ में यहाँ पे वकालत को छोड़ दिया था ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी की लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराइयों की ओर संकेत किया? बताएं, जैसे हमने टर्म्स एंड आइडियाज में पढ़ा था इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अगर आपको याद हो वहां पे मैंने ये इन नामों की चर्चा की थी, उस क्वेश्चन का आंसर होंगे। तो आइडियाज, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट वाला जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें हमने इस चीज को डिस्कस भी किया। स्पेशल क्लासेस राधिका हमारी होगी आज 9 बजे, आज 9 बजे होगी स्पेशल क्लास, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, और स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको एक कोड लगाना है कैपिटल में शिव10 विदाउट गैप, कोड को लगा के आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी नए स्टूडेंट है, ओल्ड न्यू स्टूडेंट। तो लेट्स सी कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका, अब देखिए, एक तो एमजी रानाडे, एक आपका रमेश चंद्र दत्त, एमजी रानाडे एंड रमेश चंद्र दत्त। तो इसको आपको याद रखना है कि किन दो अन्य नेताओं ने ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है इसको समझाया, एमजी रानाडे एंड रमेश चंद्र दत्त, वो भी याद रखिए ना। अब देखो, अगर आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे बुक्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, है ना, तो आपको बुक्स के नाम भी पता होना चाहिए, आपको आरसी दत्त की बुक का नाम पता होना चाहिए, आपको दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम पता होना चाहिए, जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट वन है एंड लिस्ट सेकंड है। एक तरफ फार्मर मूवमेंट्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनके लीडर्स दिए हैं। फकीर, रामोसी, पागलपंथी और बिहार किसान सभा। दूसरी तरफ इनके लीडर्स दिए हैं स्वामी सृजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, करम सिंह, मंजू साहा और चितुर सिंह। हिंदी में भी देख लीजिए, एक तरफ किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ उनके नेता दिए हैं। फकीर, रामोसी, पागलपंथी और बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, करम शाह, मंजू शाह और चितुर सिंह। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है। बताएं सही आंसर क्या होगा। एवरीवन आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, आपका सबका सही है। फकीर है, फकीर आंदोलन से संबंधित है मंजू साहा, रामोसी पीजेंट मूवमेंट से संबंधित है चितुर सिंह, पागलपंथी से रिलेटेड है करम शाह एंड बिहार किसान सभा से रिलेटेड है स्वामी सहजानंद सरस्वती। डी इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सिक्स्थ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट हैंग विद भगत सिंह। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करवाया था, तो आई होप आप इसको तो बता देंगे। इस क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? शिवराम, राजगुरु, सुखदेव और जतिन दास। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो काफी लोग डी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग ए भी इसमें आंसर कर रहे हैं, तो मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है, सबसे सही आंसर है वो है आपका डी। देखो मार्च 20, 1931 को भगत सिंह के साथ में सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी हुई थी। ये याद रखना है गाइस कि हुई किस कारण थी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सोंडर्स जो मर्डर केस था और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, इसमें उनको सजा हुई थी। इस पॉइंट को जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेते हैं कि इनको फांसी क्यों हुई थी, क्या कारण से इनको फांसी हुई थी। तो सोंडर्स की हत्या के सोंडर्स मर्डर केस में और एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब बात करते हैं हम जतिन दास की। तो गाइस जतिन दास की जो डेथ हुई थी वो हुई थी हंगर स्ट्राइक के कारण। उन्होंने बहुत दिनों तक, लगभग 64 डेज तक कोई खाना पीना नहीं किया था, खाना नहीं खाया था। तो हंगर से बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी जतिन दास की। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गुरदयाल सिंह एंड शाहनवाज। हु अमोंग द फॉलोइंग फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस,
गुरदयाल सिंह या शाहनवाज? दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर? सुभाष चंद्र बोस हैं, रास बिहारी बोस हैं, गुरदयाल सिंह हैं या शाहनवाज है? इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो है आपका ए, नोट बी। मोस्ट ऑफ द पीपल बी आंसर कर रहे हैं ना? पूछा गया है INA, ठीक है जी। तो रास, ये जो सॉरी है ना, देखो यहां पे जो सोहन सिंह है, आजाद हिंद फौज है, इसका गठन हुआ था 1942 में बाय द सोहन सिंह। बट इन दिसंबर वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है, दिसंबर में अरेस्ट हो गए थे वो। फिर उसके बाद में INA को डिसबैंड कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, ठीक है, प्लीज इसको करेक्ट, मतलब आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं, वो इसको दोबारा से सिंगापुर में इसका पुनर्गठन करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, तो इसको जरूर याद रखना। ओके, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्लीज आप गलत मत करना, है ना, इसको आप काट दीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए सब, ठीक है। आगे चले सर, यहाँ पे आंसर की और रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट है क्या? देखो आपकी जो आंसर की है वो रिजल्ट है, एक बार अभी नेट के सारे जो एग्जाम होंगे उसके बाद ही आप, उससे पहले तो इम्पॉसिबल है, उससे पहले तो शायद नहीं आ पाएगा। आंसर की आने के बाद, वो रिजल्ट आने के बाद ही ये आ पाए, उससे पहले तो नहीं आ पाए, ठीक है। चल आगे चले, नेक्स्ट। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? आपके पास में चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई। 1 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1910 को, 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1910 को। बताओ, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा है वो कब प्रारंभ की गई? द करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया गया था, इसको आप जरूर याद रखिए, है ना, एंड 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका चला था, इसको भी जरूर याद रखें, ठीक है। 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को ये दांडी मार्च खत्म होती है, साबरमती आश्रम से शुरू होती है और फिर जाके नमक कानून को यहाँ पे तोड़ा जाता है, दांडी मार्च। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो गलत है, सही नहीं है बेसिकली? चुक द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब फैक्ट नहीं है ये।
एक तो है पहला स्टेटमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से करिए इनको सब लोग। 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा की गई। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया। बताएं सही आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर। ए बी सी या डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य नहीं है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो द वेरी करेक्ट आंसर इज डी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है आपका? डी। स्वदेशी मूवमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था, ये गलत हो गया है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट तो आपका ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे स्टार्ट हुआ। और गांधी जी यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 मार्च 1915 को आते हैं, तो बेसिकली ये तो गलत हो गया ना आपका, फैक्ट ही गलत हो गया, इसलिए रॉन्ग है। और यहीं पे आपको नोट ऑफ फैक्ट पूछा गया था, कौन सा तथ्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके देखो, एक मैंने सेशन आपका प्लान किया हुआ है, बेसिकली दो सेशन प्लान किए हुए हैं जिसमें हम ये जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है इनको करेंगे। तो ये सेशन मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट वीक में होगा, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में इसके लिए हमने पर्टिकुलर सेशंस रखे हैं मैंने आपके लिए, तो आप सब लोग इन सेशंस को अटेंड करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में होगा, ये थ्योरिटिकल पोर्शन है वो मैं आपका करवाने वाला हूँ, का थ्योरी इंडियन में और बाहर में भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सबको हम कवर करेंगे। चलो लिस्ट वन है एंड लिस्ट सेकेंड है, दो लिस्ट है आपकी, आपको बताना है कि करेक्ट मैच क्या होगा, कौन कौन से सही से मैच है ये आपको बताना है। तो बताओ अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सी डी बी सी ए डी या डी बी? सूची वन है एंड सूची सेकेंड है, विनायक दामोदर सावरकर, वरिंद्र कुमार घोष, लाला हरदयाल, सचिंद्र नाथ सन्याल और भगत सिंह। ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर क्या है आपका? सो द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। सी एंड डी। ओके अब यहां पे सी है लाला हरदयाल एंड डी है बाकी अनुशीलन समिति एंड अभिनव भारत, ठीक है ये वाले आपके गलत है गाइस। अब देखते हैं, अभिनव भारत है वो
वीडी सावरकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ओके, और सचिन सन्याल और भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति बनेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। ये बेसिकली यहाँ पे उल्टा मैच किया गया है, ये इस तरह से होता है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलो, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, कहां पे संगठित किया था? बाबा रामचंद्र हैं, उन्होंने किसानों को कहां पे संगठित किया था? अवध में, आंध्र में, बिहार में या बंगाल? तो बताओ सही आंसर क्या है। अवध में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या बंगाल? ए, बी, सी या डी? तो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ए। कहाँ पे किया था उन्होंने? अवध में। सबसे कोई पूछे, ये बेसिकली किसान मूवमेंट से जुड़े थे, बाबा रामचंद्र हैं वो एक किसान नेता के रूप में वो सामने आए हैं, यानी किसान नेता के रूप में वो प्रसिद्ध थे गाइस। तो यहाँ पे उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया वो कहाँ पे किया? अवध, अवध यानी यूपी में। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था यूपी किसान सभा के फाउंडर कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जस्ट हमने करवाया था आपको एचआरए और एचएसआरए वाला क्लियर कीजिए। देखो एचआरए और एचएसआरए, एचआरए का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सोशलिस्ट शब्द नहीं है इसमें, एसोसिएशन। लेकिन 1928 में क्या होता है, यहां पे सोशलिस्ट वर्ड इसमें जुड़ जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म से ये काफी प्रभावित होते हैं, इसलिए भगत सिंह हैं वो सोशलिज्म से काफी प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे जो एच एस आर ए है उसका गोल चेंज हो जाता है, तो सोशलिज्म है उसमें ऐड हो जाता है ना। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपी किसान सभा वाला सहजानंद सरस्वती, ये हमने अभी आपको करवाया भी है, तो इसको जरूर आपको याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या जगजीवन राम? बताओ। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, सी राजगोपालाचारी हैं या जगजीवन राम? आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सब लोग? तो मोस्ट ऑफ द पीपल बी आंसर कर रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बी, है ना। तो जो अगस्त 1946 में एंट्रिम गवर्नमेंट बनी थी
उसमें डॉक्टर राधा कृष्ण है वो इंक्लूड नहीं थे गाइस, तो यहाँ पे जैसे पंडित नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, अरुणा असफ अली थी, सरदार बलदेव सिंह, जॉन मथाई, शरद चंद्र बोस, सैयद अली जहीर, सी एस भाभा, जगजीवन राम, सर शफात अहमद, ये सारे के सारे एंट्रीम गवर्नमेंट के मेंबर थे, लेकिन जो हमारे एस राधा कृष्ण है वो नहीं। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? ए एम आर जैकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम या मोहम्मद शफी, बताओ। एम आर जैकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम, मोहम्मद करेक्ट आंसर बताएं सब लोग जल्दी से मुझे। एम आर जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम या मोहम्मद सफी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है गाइस इसमें डी, मोहम्मद सफी। ठीक है, तो यहाँ पे 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो सम्मेलन में एम आर जयकर, सरदार मंगल सिंह और सर अली इमाम शामिल हुए थे, मोहम्मद शफी हैं वो शामिल नहीं हुए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया? यानी कि जो इंडियन कैपिटलिस्ट जो लोग थे उन्होंने कौन से आंदोलन को, कौन से नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया? चार ऑप्शन है और आप बताओ। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, तो इसको सब लोग याद है रखेंगे एवरीवन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वन ऑफ द वाटर मूवमेंट्स लॉन्च, वाटर मार्किंग मूवमेंट लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितने भी आपके जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जितने भी भारतीय पूंजीपति थे, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन दिया था। नेक्स्ट, इसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की,
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who presided over the first session of the All India Trade Union Congress held in 1920s in Bombay? P.V. Giri, Lala Lajpat Rai, S.M. Joshi, Jawaharlal Nehru, A, B, C, O, D. तो द करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाला लाजपत राय। ओके, एक चीज और याद रखनी है गाइस कि यहां पे जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, यहां से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो देखो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पूछेगा तो आपको बताना है कि लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछता है कि फाउंडर कौन है इसकी, AITU के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा NM जोशी। NM जोशी हैं वो इसके फाउंडर होंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1921 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में? 1921, 1923, 1924 एंड 1925। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। में स्वराज पार्टी की गठन होता है ऑन द 1 जनवरी 1923 में। ओके, टी आर दास हैं इसके प्रेसिडेंट थे एंड मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी थे। नाउ इसका जो स्वराज पार्टी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था इसका, क्यों फाउंडेशन इसका हुआ? इसका उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना था और सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना था जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझे गाइस, तो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो एक बार फिर टूट गई थी। यहाँ पे एक तो स्वराजिस्ट, एक नॉन स्वराजिस्ट, एक चाह रहे थे, एक को रेस्पॉन्सिबिस्ट बोलते हैं, एक को नॉन रेस्पॉन्सिबिस्ट बोलते हैं। एक चाह रहे थे कि हमें सरकार में एंट्री करनी चाहिए, ठीक है, यानी हमें लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें एंट्री करनी चाहिए और अंदर जाके विरोध करना चाहिए। एक लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि नहीं, हमें तो बाहर ही रह के सरकार का विरोध करना। जो स्वराजिस्ट वाले बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि हमें सरकार के अंदर जाके, सदन के अंदर में जाके सरकार की पॉलिसियों का विरोध करना चाहिए, जिससे कि सरकार को पता लगे।
लेकिन जो नॉन सफ्राजिस्ट लोग थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हमें बाहर से ही इसका अपोज करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है वो होता है इसका। नाउ द नेक्स्ट, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही आफ्टर 1940? मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या विनोबा भावे? उन्नीस सौ चालीस के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? मौलाना आजाद है, जयप्रकाश नारायण है, आचार्य कृपलानी है या विनोबा भावे है? चलिए, सो द वेरी करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो कौन है? आचार्य विनोबा भावे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है आपके? आचार्य विनोबा भावे। तो 17 अक्टूबर को 1940 को ना विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे जो हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन है हमारे? पंडित जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी, नोट सी, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी, मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए, कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया, देर वॉज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, सरोजिनी नायडू बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कम क्लोजर, या कांग्रेस अडोप्टेड नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल? व्हाट हैपेंड एट द लखनऊ सेशन 1916? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस केम क्लोजर, यहां पे हम इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। तो यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार, एसी मजूमदार हैं वो यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, और यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उन दोनों में सुलह होती है और इसको बोलते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट। ठीक है, कांग्रेस लीग पैक्ट। तो सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वराज दल है उसका गठन है वो किसके द्वारा किया गया? स्वराज दल वाज फॉर्म बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? मौलाना आजाद, रंजन दास, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? मौलाना आजाद के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो सबको पता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस भी किया था, है ना, सी आर दास।
इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू उसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो 1923 में इसका गठन किया गया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो स्वराजिस्ट वाले थे, स्वराजिस्ट थे एक नॉन स्वराजिस्ट थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन लिए जाने के बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इन्होंने बोला कि हम सदन के अंदर जाके सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, अंदर नहीं जाना है, बाहर से इनका विरोध करना है। तो इसी झगड़े के चलते हुए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन यहाँ पे किया, और इसके अध्यक्ष हैं सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। ओके, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप, कौन सा यूरोपियन, यहाँ पे यूरोपियन यहाँ पे लिखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन डिड नॉट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरमन या हेनरी कार्टन? एहू ह्यूम है, जॉर्ज यूल है, विलियम वेडरमन है या हेनरी कोटन है? वन, ए, बी, सी या डी? द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, इज द करेक्ट आंसर। एहू ह्यूम है, वो इसके क्या है, फाउंडर है और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आप सब लोग याद रखें ना। एंड इन्होंने ये कभी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, इस जनरल सेक्रेटरी हैं। जॉर्ज यूल हैं वो अलाहाबाद सेशन में प्रेसिडेंट थे, विलियम वेडरमन है वो बॉम्बे में 1889 में, हेनरी कोटन है वो आपके 1904 वाले सेशन में प्रेसिडेंट थे ना। जॉर्ज यूल हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। इतना क्लियर है सबको, एवरीवन? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, वरना तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमारे काफी क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा गाइस, अभी जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो 9 बजे है, प्री स्पेशल क्लास है, टुडे, आज ही है, अभी प्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा प्रोफाइल का, वहां से जाके आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अनलॉक कोड है आपका शिव टाइम, कोड को आप लगाएंगे तो आपको ये जितने भी फ्री क्लासेस हैं वो ज्वाइन हो जाएंगी आपकी। और आज हम अभी पेपर टू की स्पेशल क्लास होगी आपकी, जो कि मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, इसलिए हम उस क्लास को अभी कवर करेंगे। पेपर टू की जो स्पेशल क्लास है वो अभी होनी है, तो आप सब लोग उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। इस क्लास के बाद में होगी 9 बजे, ठीक है? चलिए, इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा आप सबको, एवरीवन, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद में ये सेशन कैसा लगा। और अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग जल्दी से, एवरीवन लाइक एंड शेयर द सेशन। उसके अलावा अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो गाइस पेपर 1 एंड पेपर 2
दोनों के जो बैचेस हैं वो आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो बैच आपको ज्वाइन करना है उनको आप ज्वाइन कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गाइस, ठीक है। नाउ पेपर वन के लिए आपका लक्ष्य बैच है, हमने शुरू किया है, इस लक्ष्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका शेड्यूल रहेगा रेगुलर क्लासेस का, तो आप इनको भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। और हायर एजुकेशन का सेशन आज हमने मॉर्निंग में किया था, तो आप सब लोग उस हायर एजुकेशन सेशन को भी देख लीजिए। उसके बाद में ये प्रोफाइल है, यहाँ से जाके आपको मेरी सारी क्लासेस और मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसलिए आप सबसे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए सबसे पहले। उसके बाद में ये जितने भी कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। प्लस या आइकोनिक जो भी आप ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन कर लीजिए, आइकोनिक या प्लस, ये आइकोनिक के प्लान हैं और ये आपके प्लस के प्लान हैं। 24 मंथ 12 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिफ्ट 10, जैसे आप लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकोनिक में मिलते हैं। ज़्यादा फायदा आइकोनिक में होगा क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलता है। उसके अलावा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। स्पेशल क्लासेस का मैंने बता ही दिया, 7:30 पेपर वन एंड 4 PM पे पेपर, इन क्लासेस को आप अटेंड करेंगे। रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन हैं वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।